चुनावी माहौल के बीच उत्तर प्रदेश में टीटी का पर्चा लीक होने के बाद सनसनी फैल गई है। पेपर लीक होने के बाद सरकार को परीक्षा रद्द करनी पड़ी है। यूपी टेट यानी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 का पर्चा लीक होने की वजह से सूबे में टेट की परीक्षा रद्द कर दी गई है, जिसके बाद पूरे प्रदेश में कोहराम मच गया है। ये पर्चा सोशल मीडिया पर गाजियाबाद, मथुरा और बुलंदशहर से वायरल हुआ, जिसके बाद एग्जाम सेंटर के बाहर अफरा तफरी मच गई। इस मामले में अब तक 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश शासन ये परीक्षाओं को पूरी तरीके से शुचितापूर्ण कराने के लिए कटिबद्ध है, सक्षम है, और जिन लोगों ने ये प्रयास किया है उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई हम करेंगे। सर, कितने जिलों से कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है इस मामले? मैंने आपको बताया, विभिन्न जनपदों से 23 लोग गिरफ्तार किए जा चुके। आज एग्जाम वाले दिन ही टीईटी की परीक्षा का पेपर लीक हुआ। करीब 21 लाख छात्र परीक्षा में शामिल होने वाले थे। प्रयागराज, कौशाम्बी, मेरठ, गाजियाबाद और मथुरा इसमें शामिल है। अब तक 23 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पश्चिम यूपी से पेपर लीक की आशंका जताई गई है। कई जगह एसटीएफ की छापेमारी जारी है और एक महीने बाद दोबारा परीक्षा करवाई जाएगी। यूपी सरकार ने परीक्षा में कदाचार रोकने की पूरी तैयारी की थी, लेकिन उसके बाद भी पेपर लीक की घटना सामने आई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस जालसाजी के पीछे जो लोग भी शामिल हैं उनके खिलाफ एनएसए लगाया जाएगा, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। यूपी में टेट की परीक्षा में फर्जीवाड़ा हुआ है। वैसे तो यह खबर परीक्षा के पेपर लीक होने भर की थी, लेकिन इसके साथ 21,65,000 छात्रों का भविष्य खराब हो गया है। परीक्षा रद्द करने की खबर सुनते ही लखनऊ, मथुरा, कन्नौज और बुलंदशहर सहित सूबे के 75 जिलों में हाहाकार मच गया। पुलिस आती है, अंदर बात करती है, अंदर बात करके पुलिस स्टूडेंट को बोल रही है कि आप लोग साइड में हो जाओ, हम लोग चाहते हैं एग्जाम हो। टेट की परीक्षा लीक होने की खबर सीएम को दी गई। योगी आदित्यनाथ उस वक्त देवरिया में थे। उन्होंने मंच से ही ऐलान किया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जिन लोगों ने ये शरारत की है वे भी सुन लें, उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है, उनकी संपत्ति को जब्त कराने और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत उनको सबको निरुद्ध करने जा रहे हैं। किसी भी सरकारी परीक्षा के लिए पेपर को प्रिंटिंग सेंटर से लेकर सरकारी कोषागार तक सुरक्षित पहुंचाने का जिम्मा प्रशासन का होता है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर चूक कहां पर हुई है। ये रिपोर्ट आप देखिए और समझिए कि पेपर को एग्जाम सेंटर तक पहुंचाने में कितनी सतर्कता बरती जाती है। सबसे पहले यूपी टेट परीक्षा कराने के लिए एससीईआरटी की जिम्मेदारी होती है कि वो एक एजेंसी का चयन करे। एक एजेंसी का चयन विभाग करता है, उसे बेहद गोपनीय तरीके से अंजाम दिया जाता है और एजेंसी का नाम भी सार्वजनिक नहीं किया जाता। उस एजेंसी का चयन करने के बाद उस एजेंसी को जिम्मा दिया जाता है पेपर सेट करने का, पेपर छपवाने का। पेपर जहां छपता है वो भी गोपनीय रखा जाता है ताकि किसी भी तरह का लीक होने की कोई गुंजाइश ना रहे। और जब पेपर छपकर तैयार हो जाता है तो एजेंसी उसे पुलिस सुरक्षा में कोषागार, जहां पर मैं अभी मौजूद हूं, ये लखनऊ जिले का कोषागार है, ऐसे ही हर जिले के कोषागार में वो एजेंसी और डिपार्टमेंट मिलकर पुलिस की अभिरक्षा में पेपर को वहां तक पहुंचाती है। जब एग्जाम की तारीख तय हो जाती है तो दूर सेंटर पर एक दिन पहले और जो नज़दीक सेंटर है वहां पर उसी दिन यहां कोषागार से पुलिस सुरक्षा के बीच एजेंसी और जो मजिस्ट्रेट तैनात किए जाते हैं इसके लिए उनकी देखरेख में उस एग्जाम सेंटर तक पेपर पहुंचते हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।